क्लिक करिए सब्सक्राइब बटन को ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आप लोग मिस ना करें। है काजू के शेप में लेकिन है बादाम का ही बिस्किट। तो देखते हैं इसको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमने 60 ग्राम देसी घी ले लिया है। आप यहाँ पर बटर भी ले सकते हैं, हमने शुद्ध देसी घी लिया है। और यहाँ पर 90 ग्राम हमने पाउडर शुगर लिया है, पिसी हुई चीनी। चीनी को हमने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है और दोनों को इस तरीके से हमें खूब अच्छे से इसको फेंट लेना है। तब तक हमें इसे चलाना है जब तक बिल्कुल क्रीमी ना हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट बन ना जाए। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, वैसे हमें स्पून से ज़्यादा अच्छा बैटर बनता है। ये देखिए बिल्कुल हल्का, इसको चलाने में 2 से 3 मिनट लगते हैं, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर हम मैदा ले लेंगे 150 ग्राम, हमने 1.5 कटोरी मैदा लिया हुआ है। क्वांटिटी आपको बिल्कुल सेम रखनी है तो बहुत ही अच्छे बिस्किट बनेंगे। यहाँ पर हमने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर अब हम ले लेंगे, लगभग 1 चम्मच है। और अब हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे नमक, पिंच भर नमक डालना है। मीठे बिस्किट में आपको नमक डालेंगे तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। यहाँ पर हमने सीक्रेट एक ये है कि हमने कस्टर्ड पाउडर डाला है, 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। और अच्छे तरह से इसको खूब अच्छे से मिला लेना है। अब इसको हाथ से मिला लेंगे, एक इसका हमें डो तैयार करना है। इस तरीके से अब हम उसमें वनीला एसेंस डाल देंगे, 1 चम्मच के करीब वनीला एसेंस डाला है। और इसको खूब अच्छे से मिला लेंगे, ये लगभग एक डो बन जाएगा। इसमें हमें दूध का हमने थोड़ा थोड़ा बिल्कुल हमें दूध डालना है, एक साथ हमें दूध नहीं डालना है वरना आपका डो बिल्कुल ढीला पड़ जाएगा और बिस्किट अच्छे नहीं बनेंगे। देखिए हमने बिल्कुल ज़रा ज़रा सा दूध डाल रहे हैं, इतना हमें बिल्कुल 2 से 3 चम्मच दूध लगा हुआ है इसमें। हमारा एक डो तैयार हो गया बढ़िया। अब हमने यहाँ पर ट्रे ले ली है, बेकिंग ट्रे है, इसमें ब्रश से हमने घी या बटर कुछ भी आप लगा सकते हैं। और अब हम ये क्या करेंगे, डो का हमने 2 हिस्सा कर लिया है, एक हम साइड में रख देंगे पहले और एक हिस्से को हम खूब अच्छे से इसको बिल्कुल इसका पेड़ा जैसा बना लेंगे। आप सेल्फ पर आपके पास खूब अच्छे से साफ करके बना सकते हैं वरना आप चकले पे बना सकते हैं। इस तरीके से हाथ से थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, उसके बाद आप बेलन चला के कर सकते हैं। ये देखिए साइड आपको बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। इसको बहुत ज़्यादा हम पतला भी नहीं रखेंगे, बहुत मोटा भी नहीं रखेंगे। ये देखिए हमने बेल लिया। अब हम क्या करेंगे, बस इसमें से थोड़ा सा दूध लगाएंगे, बस जैसे बटर होता है इस तरीके से हम दूध लगा लेंगे। और अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स में, जो चूँकि बादाम के बिस्किट बना रहे हैं इसलिए हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बादाम को काट लिया है। अब हम इसमें पूरे में बादाम फैला देंगे। इस जगह पे आपको कोई और ड्राई फ्रूट्स डालने हैं तो आप डाल सकते हैं, पर हमने यहाँ पर बादाम दिया है। और अब हम इसको बेलन से इस सेट कर देंगे ताकि हमारा बादाम कोई भी निकल के गिरे नहीं। साइड बिल्कुल फिनिश कर देंगे इस तरीके से, फिर एक बार बेलन चला देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी कैप आपके पास हो, इस तरीके से ढक्कन हो, प्लास्टिक का हो, स्टील का हो, अब हम इसको हाफ लेके इस तरीके से करेंगे ताकि ये काजू के शेप में बन जाए और डिज़ाइन भी बड़ी अलग सी होती, देखने में भी खूबसूरत लगता है। ये देखिए कितना सुंदर निकल रहा है। आप इसको और बड़े साइज में भी बना सकते हैं पर हमने एक मीडियम साइज में बनाया है, ये थोड़ा सा छोटे भी ले लिए हमने। इस तरीके से हम सारे बना लेंगे और ट्रे में हम लगाते चले जाएंगे। थोड़ा सा दूर दूर हमें रखना है और हमने प्री हीट ओवन को कर रखा है 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए, तब तक हम ये काम अपना कर रहे हैं। ये
देखिए लग गया, और हम ओवन में इसको खोलेंगे। और हमने यहाँ पर स्टैंड मेरे पर रखा हुआ है, इसमें लगा के अब कन्वेक्शन मोड पे आपको 180 डिग्री पे 20 मिनट तक के लिए बेक करना है। देखिए कन्वेक्शन मोड पे लगाया और 20 मिनट के लिए टाइमर लगा के, ये देखिए इस तरीके से। अब हम 20 मिनट के बाद इसको खोल कर देखते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, इस तरीके से घर में आप किसी भी साइज़ में, किसी भी डिज़ाइन में आप बिस्किट को बना सकते हैं। कितना आसान है बनाना आप हो गया है, तो आप प्लीज़ इसे बनाइए और अपने अनुभव हमें शेयर कीजिए। और अगर हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप लाइक का बटन दबाना मत भूलिए।